ये हैं कुलदीपक रेड्डी जो कि इंफोसिस हैदराबाद में जॉब करते थे। तो 24 सितंबर 2017 के दिन वो अपने काम से कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक से उनका एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि उनके ब्रेन में बहुत ही सीवियर इंजरीज आई, जिसके बाद उन्हें आदित्य हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। कुलदीपक की कंडीशन बहुत ही सीवियर थी और उनकी हेल्थ में कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था, तो इसकी वजह से उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो कुलदीपक को यशोदा हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। वहां शिफ्ट करने के बाद धीरे धीरे कुलदीपक की कंडीशन थोड़ा इम्प्रूव हुई, लेकिन क्योंकि ये एक ब्रेन से रिलेटेड इंजरी थी तो इसमें रिकवरी में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो जब उनकी पोजीशन थोड़ी स्टेबल हुई तो हॉस्पिटल ने उन्हें हैदराबाद के एक रिहैबिलिटेशन सेंटर को ज्वाइन करने का सजेशन दिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर जो ट्रीटमेंट था वो बहुत एक्सपेंसिव था। सोचो, कुलदीपक एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। बट जब ऐसा हुआ तो उनकी फैमिली ने, जहां पर कुलदीपक जॉब करते थे उस कंपनी के थ्रू जो हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है उसको क्लेम किया, जो कि 4 लाख रुपए था। लेकिन उनके इनिशियल ट्रीटमेंट में ही 5,33,992 रुपए का खर्च आया था, जिसका बिल आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और सिर्फ 2 महीने में ही उनकी फैमिली 18 लाख रुपए खर्च कर चुकी थी, जो कि उनकी जिंदगी भर की सेविंग्स थी, और इसके साथ ही कुछ पैसा रिलेटिव से लोन लेकर आया था। लेकिन जब कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसमें कितना पैसा खर्च हो जाएगा ये आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब 18 लाख रुपए खर्च करने के बाद उनकी फैमिली के सारे पैसे खत्म हो गए तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने मिलाप फंड रेजर में फंड रेज करने के लिए अप्लाई किया। तो सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी पूरी फैमिली की सेविंग्स खत्म हो गई, उनके ऊपर लोन आ गया और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उन्हें फंड रेज करने के लिए अप्लाई करना पड़ा। बट सिर्फ एक सही हेल्थ इंश्योरेंस लेकर वो इस सब को अवॉइड कर सकते थे। और इससे आपको ये भी समझ आया होगा कि जो कंपनी की तरफ से आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है वो सफिशिएंट नहीं है। तो अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं और नहीं चाहते हैं कि आपको या आपकी फैमिली को भी इस तरह की प्रॉब्लम में फंसना पड़े, तो आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी ले लेना चाहिए। बट बहुत सारी कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं, तो कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट है ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करते वक्त एग्जैक्टली क्या देखना है, कहां से हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना है, और अगर आपको कभी क्लेम करने की जरूरत पड़ेगी तो वो क्लेम आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो इसके लिए आपको क्या क्या देखना होगा, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपको किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेने से पहले देखने चाहिए ताकि आपके साथ धोखा ना हो। तो अलग अलग इंश्योरेंस को कंपेयर करने के लिए और ये सभी फैक्टर्स देखने के लिए यहां पर मैं पॉलिसी बाजार का यूज कर रहा हूं। क्लियर कर दूं कि पॉलिसी बाजार के साथ हमारा मटेरियल कनेक्शन है, लेकिन मैं जेन्युइनली फील करता हूं कि पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेटर है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस का लिंक दे रखा है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में देखिए बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं उनका काफी कमीशन बचता है, तो इस वजह से यहां पर आपको डिस्काउंट मिलता है। तो सबसे पहले जिसका भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो आपने यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए अगर आप खुद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपने सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। अगर अपने साथ वाइफ का भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बेटे का लेना चाहते हैं, बेटी का लेना चाहते हैं, फादर मदर, जिसका भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं और जितने लोगों का आप लेना चाहते हैं उन सबको यहां से आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहां पर सिर्फ अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, तो यहां पर मैंने सेल्फ सेलेक्ट कर लिया है। तो अब सेल्फ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब यहां पर ये आपकी एज पूछेगा, तो मेरी एज अभी 27 इयर्स है तो मैंने 27 इयर्स सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप जिस सिटी में रहते हैं आपने वहाँ का पिन कोड डाल देना है। तो मैं देहरादून में रहता हूँ तो मैं यहाँ का पिन कोड डाल देता हूँ। इसके बाद मेरा नाम पूछा जा रहा है तो मैंने अपना नाम यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर पूछा है तो मैं भी अपना मोबाइल नंबर डाल दूंगा, तो मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है।
और इसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कहीं आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेस तो नहीं है, कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, आपका कोई थायराइड तो नहीं है। अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं ना, वो इन चीज़ों को छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं बता दूंगा कि मुझे बीपी है या मुझे डायबिटीज़ है तो मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा, और वो कुछ 10-20-50 रुपये महीना अगर आपका बढ़ रहा है उसको बचाने के लिए लोग रिस्क लेते हैं और वो सही जानकारी नहीं देते हैं। और क्योंकि आपने सही जानकारी नहीं दी है तो आगे चल के आपके इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसके रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस होंगे। इसलिए सिर्फ 40 या 50 रुपए महीना बचाने के लिए यहां पर गलत इंफॉर्मेशन ना दें तो फिलहाल मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहां पे नन ऑफ दीज पे सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया तो मेरे सामने अब सभी अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिसी बाजार से आप इन सभी कंपनीज के इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सवाल है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूं तो कितने तक का लूं? क्या मैं 2 लाख का लूं, 5 लाख का लूं, 10 लाख का लूं, 50 लाख का लूं या 1 करोड़ का लूं? यानी मेरे हिसाब से आइडियल कवर कितना होना चाहिए? तो देखिए, मेरे हिसाब से तो आपकी जो एनुअल इनकम है एटलीस्ट उसके 2 टाइम्स का आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है तो आप कम से कम 24 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। बट यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो बहुत ही कम है, आपका गुजारा ही बहुत मुश्किल से होता है, तब भी कम से कम 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेना, क्योंकि उससे कम लोगे तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है। ध्यान रखिए कि ये 5 लाख रुपए मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, जिनकी सैलरी ज्यादा नहीं है। अगर आप ठीक ठाक कमाते हो फिर कम से कम 10 लाख रुपए का लेना। अब देखिए, यहाँ तो मुझे 5 लाख का भी हेल्थ इंश्योरेंस देखने को मिल रहा है, 1 करोड़ का भी हेल्थ इंश्योरेंस देखने को मिल रहा है, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ फिल्टर्स हैं उनको अप्लाई करता हूँ और उस हिसाब से हम हेल्थ इंश्योरेंस देखते हैं। और इन फिल्टर्स को अप्लाई करके ही आप भी अपने लिए कुछ बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फिल्टर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है कवर का। तो आप कितने तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे कम से कम 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो मैंने 25 लाख रुपए यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है वो है रूम रेंट टाइप का। तो देखो, कुछ ऐसे रूम रेंट टाइप होते हैं जिसमें मान लीजिए आपने 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, लेकिन वहां पर आपकी जो रूम रेंट लिमिट है वो डेली 5000 रुपए की है। तो आपका भले ही इंश्योरेंस 20 लाख का है लेकिन आप 5000 रुपए से ऊपर के रूम में शिफ्ट कर ही नहीं सकते, और करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। तो आइडियली ये माना जाता है कि आपको ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें कोई भी रूम रेंट लिमिट ना हो, तो मैं यहां पर ये सेलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर हमें नेक्स्ट फिल्टर देखने को मिल रहा है पॉलिसी बेनिफिट का, यानी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होना चाहिए वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, टॉप पे आपको यहां पर प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाता है तो क्या उसका जब इलाज शुरू होगा, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा, तभी उसका खर्चा होगा? नहीं, उसका खर्चा उससे पहले भी बहुत सारा हो चुका होगा। तो आपको ऐसा इंश्योरेंस लेना चाहिए जिसमें प्री हॉस्पिटलाइजेशन जो खर्चे हैं वो भी कवर हों। तो यहाँ पर हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लीजिए अगर किसी का कोई ऑपरेशन होना है और वो ऑपरेशन हो जाता है, तो क्या ऑपरेशन होते ही उसके खर्चे खत्म हो जाएंगे? नहीं, उसके बाद भी उसके कुछ खर्च होंगे, दवाई में खर्चा होगा, उसके बाद हो सकता है उसको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े, उनमें खर्चा होगा। तो ये जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ये भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस में होने चाहिए, तो इसको भी हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। अब देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस है ना वो तभी काम करते हैं जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी सर्जरी करवा रहे हैं जिसमें आपकी वो सर्जरी 2 घंटे में हो जाती है, जैसे मान लीजिए आप कैटरैक्ट की सर्जरी करवा रहे हैं, तो वो भी तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होना चाहिए ना। तो यानी आपको डे केयर ट्रीटमेंट्स भी मिलने चाहिए, इसलिए हमने इस पे भी टिक कर दिया है। तो ये 3 पॉलिसी बेनिफिट तो आप हर हाल में इंक्लूड कीजिएगा, इसके अलावा भी जो बेनिफिट्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर है वो आपसे पूछता है कि आप हर महीने कितना प्रीमियम पे कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल कोई भी प्रेफरेंस सेट मत कीजिएगा, आपके सामने जब प्लान्स निकल कर आएंगे तभी आप अपनी प्रेफरेंस सेट करना, तो मैंने नो प्रेफरेंस पे क्लिक किया है। अब इसके बाद यहाँ पर पॉलिसी पीरियड का ऑप्शन है, तो आपको जो ठीक लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ पर्टिकुलर कंपनी सेलेक्ट कर लें
जिनका हेल्थ इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर मैं तो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जिन कंपनीज के ऊपर आपको भरोसा है, जिन कंपनीज का आप जानते हैं कि बहुत पहले से नाम चला आ रहा है और जो कंपनीज अगले 20 साल 30 साल तक कहीं नहीं जाने वाली हैं, आप उन्हीं कंपनीज को यहां पर सेलेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर कोई नई कंपनी है, हो सकता है वो बहुत सस्ते में आपको इंश्योरेंस दे रही हो, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने हिसाब से यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जब ये सभी फिल्टर सेलेक्ट करने के बाद आप अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपको यहां पर बहुत सारे प्लान्स देखने को मिलेंगे। तो अब जो जो फिल्टर्स हमने सेलेक्ट किए थे वो सभी फिल्टर्स इन इंश्योरेंस में अप्लाई हो चुके हैं, तो आपको इनमें से जो ठीक लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो आदित्य बिरला का एक्टिव वन प्लान है, ये मुझे 828 रुपीस पर मंथ में मिल रहा है, यानी साल के लगभग 8,000 से 9,000 रुपए में ये प्लान मुझे मिल जाएगा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपने इसे बाय कर लेना है, यहां पर भी कुछ चीजें आपने देखनी है, और वो कौन सी चीजें हैं चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो है कोपे, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जिनमें है वो हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का, लेकिन इसमें जो कोपे है वो 20% का है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपका हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का बिल आता है, तो अब आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो 10 लाख रुपए का था, कंपनी को तो पूरा 5 लाख रुपए पे करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहां पर 20% जो कोपे है वो आपकी साइड है, तो कंपनी सिर्फ 4 लाख ही पे करेगी और आपको 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। इसलिए हमेशा चेक कीजिए कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस आप बाय कर रहे हैं उसमें कोई भी कोपे ना हो। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है फुल क्लेम पेड बाय इंश्योरर, यानी यहां पर कोई भी कोपे नहीं है, 0% कोपे है, तो आपको ऐसा ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना है जिसमें कोपे 0% हो। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है वो है क्लेम्स पेड विद इन 3 मंथ्स। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि इस इंश्योरर ने पिछले 3 महीने में 99.4% क्लेम्स को पास किया है, यानी अगर आपने कोई भी गलती नहीं की तो आपका क्लेम भी इजीली पास हो जाएगा। बस अपनी साइड से कोई भी बातें मत छुपाना और साफ साफ जो सच है वो यहां पर बता देना। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको चेक करनी है वो है कैशलेस हॉस्पिटल। यहां पर आपको उन सभी हॉस्पिटल्स के नाम दिखाए जाएंगे जो कि आपकी सिटी में है, क्योंकि सिटी आपने पहले ही सेलेक्ट कर ली थी, और आपके हिसाब से आपको दिखाई देगा कौन कौन से हॉस्पिटल्स में आप कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो यहां पर मेरी सिटी के 41 हॉस्पिटल्स कवर हैं, आपकी सिटी के कौन कौन से हॉस्पिटल्स कवर हैं ये जरूर देख लीजिएगा, और जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आप इलाज करवाना प्रेफर करते हैं उनका नाम यहां पर होना चाहिए, ये जरूर देख लेना। अब अगर आप मान लीजिए इससे ज्यादा उस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां पर आपको उसका ब्रोशर मिल जाएगा जिसमें आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, तो आपने इस पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और उसके बाद आप उसके ब्रोशर को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अभी भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है, आप इन क्वेश्चंस को भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपके हिसाब से जब इतनी सारी चीजें आप सीख चुके हो कि आपके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोसीड टू बाय पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही आप बाय पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ राइडर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको इजीली कहीं से पता नहीं चलेगी, लेकिन ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें क्या क्या कवर नहीं है, क्योंकि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें सब कुछ कवर होगा। तो इसके लिए यहां पर पॉलिसी वर्डिंग्स का एक ऑप्शन है, आपने इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेंगे तो इसके बाद यहां पर यह डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इतना पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, तो आप क्या कीजिए डायरेक्टली कंट्रोल एफ पे क्लिक कीजिए और यहां पे सर्च कीजिए एक्सक्लूजन्स। जैसे ही आप एक्सक्लूजन लिख के सर्च करेंगे तो यहां पर आपको वो सभी डिजीजेस देखने को मिलेंगी जो कि आपके हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं है। जैसे यहां पर आपको बहुत सारे एक्सक्लूजन्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप उनको जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो आप यहां पर प्रोसीड टू बाय पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए क्योंकि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा था इसमें 20 क्रिटिकल इलनेस कवर्ड नहीं है, और वो कौन कौन सी इलनेस है, वो कैंसर से रिलेटेड इलनेस है, तो अगर आप उनको भी कवर करना चाहते हैं तो आपको यहां पे ऐड पे क्लिक करना होगा, और अगर आप कवर नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऐड पे क्लिक करता हूं और इसके बाद प्रोसीड टू प्रपोजल पे क्लिक करता हूं। तो अब यहां पर आपकी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स ली जाएंगी, तो चलिए मैं उन डिटेल्स को फिल कर लेता हूं।
और ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको प्रोसीड टू मेडिकल क्वेश्चंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे कुछ मेडिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप में कभी भी इनमें से किसी भी डिजीज को डायग्नोस किया गया है तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक कीजिए और जिस डिजीज को डायग्नोस किया गया है उस पे टिक कर दीजिए। मुझे फिलहाल कोई भी डिजीज नहीं है तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ऐसे ही यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो मैं उनका भी आंसर कर देता हूँ। और ये सभी आंसर्स क्लिक करने के बाद हमें कंटिन्यू टू नॉमिनी सेक्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको अपने नॉमिनी की डिटेल्स डालनी है, यानी उस व्यक्ति की डिटेल्स डालनी है। जब अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो इस इंश्योरेंस को क्लेम करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आप अपने स्पाउस, पेरेंट्स या फिर बच्चों में से किसी की भी डिटेल्स डाल सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं। अब ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको रिव्यू एंड पे पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ये क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको पे करने का ऑप्शन आएगा और इस तरीके से आप पे करके अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस बाय कैसे करना है ये तो आपको समझ आ गया है, लेकिन यहां पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर कभी आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस को क्लेम करने की जरूरत पड़ती है तो वो क्लेम आप कैसे कर सकते हैं, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये बता दीजिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो वो हमेशा ऑनलाइन ही लें, क्योंकि ऑफलाइन आपको जनरली महंगा देखने को मिलेगा। आप चाहे तो कंपेयर करके देख लेना। दूसरा, अगर आप यंग हैं तो उतनी जल्दी ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस शुरू कर लें, क्योंकि जितना जल्दी आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करेंगे उतना कम ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, तो उसको भी क्लेम कर लीजिएगा। और फोर्थ पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपको कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिला है, तो जनरली वो हेल्थ इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो 3-4 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा होता है, तो वो जो अमाउंट है वो सफिशियंट नहीं है। जैसा हमने आपको कुलदीपक रेड्डी का एग्जाम्पल भी दिया था कि हेल्थ इंश्योरेंस तो उनके पास भी था, लेकिन क्योंकि कंपनी की तरफ से बहुत ही नॉमिनल अमाउंट का वो हेल्थ इंश्योरेंस था और उनकी फैमिली के 18 से 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे। तो इसलिए अगर आपको कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिल भी रखा है तब भी अपना पर्सनल इंश्योरेंस जरूर करवा लो। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आप अपना क्लेम करेंगे कैसे। तो देखिए, क्लेम करने के दो तरीके होंगे। सबसे पहला तरीका, क्योंकि आपने पॉलिसी बाजार के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो आप पॉलिसी बाजार के थ्रू भी क्लेम कर सकते हैं, और इवन पॉलिसी बाजार तो 30 मिनट गारंटीड क्लेम असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला तरीका तो है कि इन केस अगर आपको क्लेम करना पड़ जाता है तो आपको पॉलिसी बाजार का एक टोल फ्री नंबर है, इस पे कॉल करना है, और जैसे ही आप कॉल करेंगे उनको अपनी प्रॉब्लम समझाएंगे तो हर सिटी में पॉलिसी बाजार के स्पेशलिस्ट हैं, वो जो लोकेशन होगी उस लोकेशन में 30 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे या फिर वो कॉल में ही आपका क्लेम करवाने में आपकी हेल्प कर देंगे। तो पहला तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आपने जिस भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है आप उस कंपनी का जो भी कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाए थे बहुत सारे कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं और मैंने आपको बताया है कि आपकी सिटी में जिसके कैशलेस हॉस्पिटल्स ज्यादा हैं आपने वही हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। तो क्लेम करने के लिए अगर मान लीजिए आपको इमरजेंसी में क्लेम करना पड़ रहा है, जैसे एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई केस है, तो वहां पर जैसे ही ये इंसिडेंट हो जाता है तो आप उसके 24 आवर्स के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। और अगर मान लीजिए आपका प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, जैसे आपको पता है कि 5 दिन बाद आपकी ऑपरेशन की डेट है और उस दिन आपको हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप एडमिट होने से 48 घंटे पहले ही अपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है तो ऐसे में जितने भी कंपनी के कैशलेस हॉस्पिटल्स होते हैं उन सभी हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस डेस्क होती है, आप डायरेक्टली वहां पर जाकर अपनी पॉलिसी को क्लेम करने में हेल्प कर सकते हैं। वहां पर बस आपको अपना पॉलिसी नंबर देना होगा और इसके साथ आप अपना आईडी कार्ड दे सकते हैं। उसके बाद जो हॉस्पिटल है वो खुद इंश्योरर को रिक्वेस्ट भेज देगा और आपका क्लेम करवाने में आपकी हेल्प कर देगा। तो अब आपको समझ आ गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कैसे है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और इसके साथ ही क्लेम कैसे करना है। तो पॉलिसी बाजार का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, आप खुद से कंपेयर करके अपने लिए पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा देखो, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर भी हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, आपको यहां पर वो वीडियो दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।